हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इंजीनियर किशन सिंह फ्रॉम जेएम एजुकेशन। और आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का अल्फाबेट सीरीज। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आईसीआई ने इस बार सीए फाउंडेशन के सिलेबस में 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग डाली है। 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग डाला है जो आपके लिए बहुत ही बड़ा शुभ समाचार है। इतना बड़ा फायदा है आपका इसमें कि ये 20 नंबर जो समझ लो आपके फ्री के हैं, ये 20 नंबर आपके फ्री के हैं। लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कि हम मैथ्स और स्टैट्स कर लेंगे, 80 नंबर तो कर लेंगे, 20 नंबर छोड़ देंगे। बेटा, जब ये 20 नंबर आपको फ्री में मिल रहे हैं तो छोड़ने की क्या जरूरत है। इस 20 नंबर को लाने में मैं किशन सिंह आपके सहायता करूंगा फ्रॉम जेएम एजुकेशन। हम जेएम एजुकेशन की तरफ पूरी टीम आपके साथ हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक उठाया है वह हमारा अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, यह सब मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। देखते हैं, आगे चलते हैं। अल्फाबेट सीरीज, हम बचपन से ए बी सी डी ई पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। हम सबको पता, हमने जब फर्स्ट क्लास में गए थे तो हम बचपन में सबसे पहले यही सिखाया था कि ए बी सी डी ई कैसे पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि हमें अल्फाबेट सीरीज में इनके ए बी सी डी तो सबको याद होती है, लेकिन इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज याद करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो पैटर्न बनते हैं, वो इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेस पे ही बनते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनको न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे याद करते हैं और उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाए, ठीक है। चले आगे चलते हैं। हमें ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक तो छोटे बच्चे को पता होता है कि 1 2 3 4 5, ए इज 1, बी इज 2, सी इज 3, डी इज 4 एंड ई इज 5। उसके आगे का जब याद करना होता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि एकदम से रिकॉल नहीं होने पाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ओ की वैल्यू क्या होती है, एकदम से आप नहीं बता पाओगे जब तक आपको याद नहीं होती है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, ठीक है। एक छोटा सा वर्ड है जिसे हम कहते हैं क्या, इजोटी। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, छोटा सा वर्ड है जिसका नाम है इजोटी। इसकी वैल्यूज ऐसे होती हैं 5, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15, 20, 25, इसको देख के आपको एकदम से याद हो गया होगा। हाँ, ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे आता है। तो इसको देख के तो आराम से याद हो जाएगा आपको इजोटी। मेरे ख्याल से अभी बोलते ही आपको याद हो गया होगा कि इजोटी का मतलब क्या है और ये किस लिए याद किया जाता है, ठीक है। इजोटीज तो हमें 5 याद हो गए, बाकी के हम कैसे याद करेंगे। देखिए बेटा, बाकी को याद करने के लिए मैं आपको चुटकियों की ट्रिक बताता हूँ कि चुटकी में कैसे याद करें सारे के सारे अल्फाबेट। आपको अल्फाबेट देखते ही याद आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ए से लेके एफ तक, ए से लेके एफ तक 6 हैं, 6 तो आराम से याद हो जाएंगे, किसी को भी याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इज 1, बी इज 2, सी इज 3, डी इज 4, ई इज 5 एंड एफ इज 6, ठीक है। एफ 6 को याद रखना है तो आप याद ऐसे भी रख सकते हो, आपके कीबोर्ड पे एक बटन होता है F6, कीबोर्ड पे जो फंक्शन कीज होती है उसमें एक F6 भी होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। बाय द वे, याद करने की जरूरत नहीं है, F आप आराम से याद कर सकते हो। उसके बाद आती है बात बेटा G की, G को कैसे याद करें। G, G फॉर गोट, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, G फॉर गोट, ठीक है। तो G की वैल्यू कैसे याद करें, देखो बेटा G, यहाँ पे G के पैर में देखो कौन सा नंबर बन रही है, देखो कौन सा नंबर है, आप अब देखते ही पहचान के होंगे कि ये कौन सा नंबर है बेटा, 7, ये कौन सा नंबर है, 7। तो G की वैल्यू आप आराम से याद कर रहे हैं, G के जो आप G लिखते हो, लिखते टाइम उसमें क्या लिखते हो, 7 लिखते हो। जैसे ही आपने G ऐसे लिखा और यहाँ पे क्या लिखते हो आप, 7 लिखते हो, तो G की वैल्यू क्या होती है बेटा, 7 होती है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ H, H को कैसे याद करना है। H को याद करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ से यूँ घुमाओ, यहाँ से यूँ घुमाओ, क्या बन जाता है, 8। H को बस ऊपर नीचे से घुमा दो, यूँ और यूँ, क्या बन जाता है बेटा, 8 बन जाता है। और H को याद रखने के लिए दूसरा तरीका है, जब आप 8 लिखते हो, EIGHT, तो इसमें भी क्या आता है, 8 आता है। दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो, H को दोनों तरफ से गोल कर दो ऊपर नीचे से, क्या बन जाता है, 8। I को याद करने के बारे कुछ नहीं है, I देखो जब आप कर्सिव में I, कैपिटल I लिखते हो कर्सिव में, तो कैसे लिखते हो, I ऐसे लिखते हो, और ये किस नंबर से मैच करता है हमारे इंग्लिश के, 9। कैसे, 9, हमारे जो हम इंग्लिश में न्यूमरल लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, 9। तो हमारे जो कर्सिव में जब हम आई लिखते हैं बेटा, वो हम कुछ ऐसे ही लिखते हैं, और वो कैसे होता है, 9 की तरह दिखता है। तो आई की वैल्यू जो होती है 9। जे की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इजोटी से जे की वैल्यू याद हो जाती है, जे की वैल्यू होती है 10। उसके बाद आता है के, IPL में आपने देखा होगा एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, टीम का नाम क्या, किंग्स 11 पंजाब, आपको नाम लेते याद होगा कि टीम का नाम क्या, किंग्स 11 पंजाब। तो के इज फॉर 11, के इज फॉर 11, आपको आराम से याद हो गया होगा K की वैल्यू 11। L की वैल्यू, L, L के नाम में ही L की वैल्यू आती है बेटा, L के नाम में ही L की वैल्यू आती है। देखो जब आप बोलते हो L, सेम ऐसे बोलते हो क्या, 12, L 12, L 12, कैसे याद रखना है, L 12। उसके बाद आती है बेटा अब बात M की,
एम की वैल्यू कैसे याद रखनी है, एम की वैल्यू कैसे याद रखनी है। देखो सीधी सी बात है, एक गाना है बॉलीवुड का, मैं तेरा हीरो गाना था ना, ठीक है, मुझे गाना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं बस सबको बता रहा हूँ याद कैसे रखना है। तो मैं तेरा मतलब कैसे याद रखना है आपको, मैं तेरा M13, ठीक है। अगर आप सबसे पूछो बेटा चिल्ड्रंस डे कब आता है, जिस दिन आपको गिफ्ट मिलते हैं, सब खुशी खुशी बताएंगे क्या, 14 नवंबर, क्या 14 नवंबर। तो N की वैल्यू क्या होती है, 14, N की वैल्यू क्या होती है, 14। O की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इजोटी से याद हो रखा, और एक O की वैल्यू कितनी है, 15। P की वैल्यू को याद करने का कोई सिंपल तरीका नहीं है, अगर मैं बनाना भी चाहूँ तो आप बना सकते हो खुद से, देखो क्या होता है, P होता है, P को अगर मैं इन्वर्ट करूँ, इन्वर्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा घुमा दूँ तो ये ऐसे दिखता है, मतलब ऐसे ही दिखेगा, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया और ये 6 बन जाता है, और क्या वहां से 16। तो आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो सिंपल सी चीज है कि पी को उल्टा घुमा के 6 बन जाता है तो 16 हो जाएगा, लेकिन ऐसे करने की चीज नहीं है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, ओ के बाद पी आता है तो ओ की वैल्यू क्या होती है, 15। हमें पता है ओ के बाद पी आता है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 16। रही बात हमारे पास किसकी, आर और एस की, रही बात हमारे पास किसकी, आर और एस की, ठीक है, सॉरी क्यू और आर बचे अभी, क्यू और आर, ठीक है, आर और एस नहीं, क्यू और आर बचे हैं। अब देखो मुझे पता है आर की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितनी लिखी है, 18, क्यू की वैल्यू कितनी लिखी है मैंने, 17। कैसे याद रखना है, देखो सिंपल सी चीज है, आपको पता है हमें, देखो बचपन से क्यू फॉर क्या पढ़ते हैं, क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, रानी, ठीक है, बस इसी से आपको याद रखना है, आपको सिर्फ इतना दो चीज याद रखनी है, राजा जो है 18 साल का और रानी जो है 17 साल की, राजा 18 साल का, रानी 17 साल की, आराम से याद हो गया, आर फॉर राजा 18 साल का, क्यू फॉर क्वीन, रानी मतलब 17 साल की, ठीक है। एस को याद करने की कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है बेटा, आप इसको आराम से याद कर सकते हो, दो तरीके आपके पास याद करने की, आर की वैल्यू आपको पास याद होगी 18, टी की वैल्यू आपको इजोटी से पता है 20 होती है, तो टी के पहले और आर के बाद कौन आता है, एस आता है, सीधी सी बात है एस की ऑटोमेटिकली क्या होगी, 19। उसके बाद यू, यू के लिए एक सेंटेंस आपने याद रखना है, यू आर 21, क्या, You are 21, आराम से याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, You are 21, मतलब U की वैल्यू जो आपका आराम से याद होगी, You are 21, U के बाद कौन आता है, V, V की वैल्यू U के बाद आती है, मतलब क्या आएगा, 22 आएगा, आराम से याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सही बात W की, W को देखो कैसे याद रखना है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, W, W को मैं थोड़ा सा यू करके घुमा दूं, जब यू घुमाऊंगा क्या बन जाता है, 3। अब मुझे पता है 3 पे सी आता है, 13 पे M आता है, बचा क्या, 23 पे कौन आता है बेटा, W आता है, 23 पे कौन आता है, W, W को कुछ नहीं करना, थोड़ा सा घुमाओ 3 बन जाएगा, 3 मतलब 23, सीधी सी बात है। उसके बाद X, Y, Z, ये तो लास्ट की 3 है, आराम से याद कर सकते हो, 24 25 26, Y की यहाँ से भी याद है 25। तो मेरे ख्याल से इस ट्रिक से आपको अल्फाबेट की सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, और जैसे ही ये याद हुई बेटा आपको अल्फाबेट सीरीज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हो, आपके ICAI के मॉड्यूल से लेकर के आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स में है सारे के सारे आप कर सकते हो आराम से, कोई परेशानी नहीं है। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं, कैसे याद किया हमने, ए से लेके अब तक हमें याद है 1 2 3 4 5 6, ए इज 1, बी इज 2, सी इज 3, डी फॉर 5, ई इज डी फॉर 4, ई इज 5, एफ फॉर 6। उसके बाद जी, जी के पैर में 7 बनता है, एच, एच को ऊपर नीचे से गोल घुमाओ 8, या फिर 8 लिखो तो भी आता है। उसके बाद आई, आई को मैंने बताया था कर्सिव में लिखते हो 9 लिखते हो, जे इज फॉर इजोटी 10, इजोटी से याद हो जाता है, ठीक है, के किंग्स इलेवन पंजाब, एल 12, एम मैं तेरा हीरो, एम इज 13, 14 नवंबर, ओ 15 कहां से, इजोटी से, पी ओ के बाद 16, उसके बाद क्यू और आर, राजा 18, रानी 17, मतलब आर फॉर 18, क्यू फॉर 17, एस आर और टी के बीच में 19, टी 20, यू आर 21, यू इज 21, यू के बाद क्या आता है, वी 22, डब्ल्यू थोड़ा सा घुमाओ 3 मतलब 23, एक्स वाई जेड 24 25 26। ये सिंपल सी ट्रिक थी आपको याद करने की अल्फाबेट्स की वैल्यूज कैसे याद करते हैं। मेरे ख्याल से अब तक आपको सारी वैल्यूज याद हो गई होंगी, कोई टेंशन नहीं। अब आती है बात इनके रिवर्स वैल्यूज याद करने की, रिवर्स वैल्यूज कैसे याद करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू मार्कर से लिखा हुआ रिवर्स वैल्यूज, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँ तो जेड इज 1, वाई इज 2, 3, 4, 5, 6। देखो सब लोग बोलते हैं रिवर्स वैल्यूज कैसे याद करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं बोलता हूँ रिवर्स वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपने फॉरवर्ड कर लिए, फॉरवर्ड की ट्रिक आपको याद है, फॉरवर्ड अप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर्स के लिए कुछ नहीं करना, जो भी फॉरवर्ड वैल्यू है ना उसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, किसमें से, 27 में से, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 27 में से। कैसे, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं पूछूं आपको कि आई की वैल्यू बैकवर्ड से क्या होगी, मतलब अगर रिवर्स काउंटिंग करूं तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू फॉरवर्ड से आपको पता है 9 होती है, आई की वैल्यू फॉरवर्ड से आपको पता है क्या होती है, 9 होती है, और जैसे ही 27 में से 9 को माइनस करोगे आपके पास क्या मिलेगा, 18, क्या मिलेगा, 18। तो आई की वैल्यू बैकवर्ड वैल्यू आपके पास आ गई 18, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ दूं यू की वैल्यू पीछे से क्या होती है,
अगर मैं रिवर्स काउंटिंग करूं तो यू की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, 27 में से माइनस करो, यू की वैल्यू क्या होती है, यू आर 21, 27 में से 21 माइनस करोगे क्या आएगा, 6, यहां पे भी लिखा है। कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, रिवर्स वैल्यूज भी आपको याद हो गई, फॉरवर्ड वैल्यूज भी आपको याद हो गई। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह के आते हैं, हमें करने कैसे होते हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ट्रिक याद हो गई होगी, आप लोगों को समझ आ गया होगा, आपको समझ आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल आइकन होगा उसको जरूर दबाएं। अगर आप उसको दबाएंगे तो हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपके पास आएंगी और आगे मैं और भी रीजनिंग के कई सारे टॉपिक्स आपके लिए कराने वाला हूं, आईसीए के मॉड्यूल के सॉल्यूशंस भी कराने वाला हूं। उसके लिए मुझे सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखो मैं आपके लिए सारा कराऊंगा, हमारी जीएम की पूरी टीम आपके साथ है, आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक्स दीजिए। जब आप लाइक्स देते हैं देखो उससे हमें कुछ मिलता नहीं है ना, हमें कुछ होता है, बस बात यह है कि लाइक आप करेंगे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आपको पसंद आ रहा है तो हम आपके लिए और वीडियोस बनाएं, हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है तो वो मोटिवेशन आपसे मिलती है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ा सा मोटिवेट करोगे तो हम आपके लिए कुछ और वीडियोस बनाएंगे। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक की वीडियोस चाहिए, किसी और मॉड्यूल का सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी टॉपिक का, किसी भी एक्सरसाइज का अगर सॉल्यूशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, #WeWantIt, जो भी आपको चाहिए, जिसके सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक के कमेंट आएंगे वो टॉपिक मैं आपको जरूर कराऊंगा, उसके क्वेश्चंस जरूर कराऊंगा, उसके ट्रिक्स जरूर बताऊंगा। तो अभी चलते हैं हम अल्फाबेट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे हमारे अल्फाबेट सीरीज में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। होप सो मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों को सारी वैल्यूज याद हो गई होंगी, सारी वैल्यूज याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद है तो जब तक मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ तब तक आप एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी फटाफट एक बार दोबारा से आप अपने दिमाग में रिवाइज कर लीजिए कि अगर मैं आपसे सीधा सीधा ऐसे पूछूं आर, तो आर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, 18, कैसे आया राजा कितने साल का था, 18 साल का था। अगर मैं सीधा आपसे पूछ लूं पी कैसे आया, 16, ओ के बाद क्या आता है पी, और ओ किस पे आता है, 15 पे, तो आराम से किस पे आ गया बेटा, 16 पे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टॉपिक का, इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपसे, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज ए डी जी जे एम, आगे क्या आएगा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, ये आपके पास चार ऑप्शन हैं, मतलब ये नहीं है, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, देखो क्या लिखे हुए हैं, क्यू एस पी और आर, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास एक सीरीज है, आपको पता लगाना अगला वर्ड कौन सा आएगा, सिंपल कुछ नहीं करना होता, हमें वैल्यूज याद है, हम वैल्यूज पे देखते हैं, ए की वैल्यू क्या होती है, 1, डी की कितनी होती है, 4, जी की कितनी होती है, 7, टी की कितनी, 10, एम की 13, यहाँ पे हमें दिख गया एक सीरीज बन गई, 1, 4, 7, 10, 13, मतलब +3, +3, +3, +3, सीरीज क्या बन रही है बेटा, तीन तीन ऐड हो रहा है, तीन तीन कैसे ऐड हो रहा है, देखो एक के बाद चार नंबर आया, चार के बाद सात नंबर, सात के बाद 10, 10 के बाद 13 नंबर। मैंने अभी बोला था अगर आपको वैल्यूज याद हैं, जैसे कि अभी मैंने वीडियो में बताया आपको याद हो चुकी होंगी, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकेंगे। 13 के बाद क्या आएगा, 16 किसका नंबर होता है बेटा, पी का, मतलब ऑप्शन आपके पास सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, Z X V T R, आपके पास क्वेश्चन मार्क और एक और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा क्या करें, यहाँ पे तो दो क्वेश्चन मार्क आ गए, आपके पास क्वेश्चन है, जो सीरीज आपको दी हुई है क्या दी हुई है, Z X V T R, अब तक तो मेरे ख्याल से आंसर आ भी चुका होगा कुछ लोगों का, ठीक है। देखो आपके पास जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस क्या है, मैं ऑप्शंस भी आपको बता देता हूँ, आपके ऑप्शंस हैं O K N M, उसके बाद एक K S और P और N, ये आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन। अब इसमें कैसे करोगे, क्या करोगे, कुछ सोचो दिमाग पे सोचो, जोड़ डालो, देखो क्या है, Z का मतलब 26, X का मतलब क्या होता है, जल्दी XYZ, 24, 25, 26, V का मतलब क्या होता है, U के बाद कौन आता है, V मतलब 22, यहाँ पे T मतलब 20, R का मतलब क्या है, 18, यहाँ पे देखो आपको कुछ दिख रहा है, सीरीज बनी 26, 24, 22, 20, 18, मतलब
यहाँ पे कितने का गैप है, दो का, 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 तो आगे 18 के बाद क्या आएगा बेटा, 16, और 16 के बाद क्या आएगा 14, 16 नंबर पे कौन होता है पी, 14 पे कौन होता है 14 नंबर एन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास आंसर आ गया, मतलब अल्फाबेट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको अगर अल्फाबेट की वैल्यूज याद है तो आप आराम से गेस कर सकते हो, आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन देखते ही आपको ऑप्शन टिक हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, देखो 26 24 22 20 18 अगला 16 और 14 मतलब पी और एन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कैसे आपको आता है, देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं आपके पास आर ओ एल आई एफ, ठीक है, ये है आपके पूछा है कि अगला कौन सा लेटर आएगा, अगला लेटर कौन सा आएगा, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, ऑप्शन तो आपके पास दिए हुए हैं, देखो ऑप्शन में क्या क्या है, सी ए ई और आई, सी ए ई और आई, मतलब आपका क्वेश्चन है आर ओ एल आई एफ, आर ओ एल आई और एफ, आगे पूछा हुआ है कि आगे क्या आएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले R की वैल्यू कितनी होती है 18, O की कितनी होती है 16, ठीक है, L की कितनी होती है बेटा 12, I की कितनी होती है हमारे पास 9, F की कितनी होती है 6, अब क्या, अब कोई पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सॉरी O की होती है मेरे पास 15, ठीक है, अब कोई 15 पैटर्न बन रहा है, बन रहा है, आराम से दिख रहा है, ठीक है, क्या 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18, मतलब यहां से कैसे चल रहा है -3 -3 -3 -3, तो 6 - 3 क्या हो जाएगा बेटा 3, और 3 नंबर पे कौन आता है सी, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या किया हमारे क्वेश्चन दिखा दिया था आर ओ एल आई एफ, क्या दिया था आर ओ एल आई एफ, हमने सबकी वैल्यूज लिखी 18 15 12 9 6, ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, कुछ नहीं, आगे देखा हमने गैप कितने का है, 3-3 का गैप चल रहा था, मतलब यहाँ से 3-3 माइनस हो रहा था, आगे भी 3 माइनस होगा, 6 में से 3 गए 3, और 3 किसका नंबर होता है सी का, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग जेड डब्ल्यू, सॉरी क्वेश्चन इज जेड एस डब्ल्यू ओ T K Q G आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, क्या है Z S W O T K Q G आगे क्वेश्चन मार्क, अब क्या करें, आगे सबसे पहले नंबर्स लिखना स्टार्ट करो, 26 19 23 15 20 11, ठीक है, 17 7, ये सिंपल से चल रहे हैं, देखो कैसे लिखे, मुझे वैल्यूज याद है, आप भी आराम से याद कर सकते हो, कैसे जेड का 26 S 19 W 23 O 15 T 20 K 11 Q 17 G 7, जैसे अभी मैंने लिख दी आप भी आसानी से लिख सकते हो, आपको सिर्फ ट्रिक्स पता होनी चाहिए कैसे याद किया था, जैसे रानी 17 किंग्स 11 T 20 O, ये दोनों इजोटी से आए थे, W को घुमा के 3 बनाया था मतलब 23, S T और R के बीच में 19 और जेड का 26, सबको पता है G का मैंने बोला था, G लिखते समय आप 7 लिखते हो, देखो अब क्या चल रहा है, कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पे पैटर्न आपको ऐसा नहीं दिख रहा, देखो ये पैटर्न अल्टरनेट पैटर्न है, कैसे 26 23 20 17, दिख गया, मतलब यहां से यहां तक -3, आगे भी क्या चल रहा है -3, इसके आगे -3, तो इसके आगे जो ये वाला नंबर आएगा बेटा वो भी क्या आएगा -3 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 14, और 14 पे कौन होता है n, मतलब यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए n। अगला देखो 19 और 15, मतलब यहां से यहां तक गए क्या -4, 15 से 11 तक गए -4, 11 से 7 तक गए -4, अब 7 से आगे जाएंगे -4 करेंगे, मतलब क्या आएगा 3, तो 3 पे कौन होता है बेटा C, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा NC, आंसर हमारा क्या हो जाएगा NC, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे, आप खुद से भी गैस कर सकते हो कि आंसर क्या होगा NC, ठीक है। तो ये तो रहे हमारे सिंगल सिंगल डिजिट के, सिंगल सिंगल डिजिट के क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आती है कि आपके पास 3 और 4 के दे दे तो कैसे करेंगे, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है बी के एस कमा डी जे टी कमा एफ आई यू कमा एच एच वी, अगला क्या आएगा, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास क्या क्या दिए हैं, एफ जी एक्स, बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है आई जी वाई, सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जे जी डब्ल्यू, और डी ऑप्शन जो है आपको क्या दिया हुआ है आई जी एक्स, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें, अब तक तो सिंगल सिंगल थे हम आराम से कर रहे थे, लेकिन अब 3-3 का कॉम्बिनेशन आ गया, 3-3 के कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे बेटा,
तीन तीन के कॉम्बिनेशन में हम कैसे करेंगे? देखो कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे हमें या तो फर्स्ट लेटर से सारी कॉम्बिनेशन दी होती है, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट से उसके बाद इससे इससे, फिर सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, नहीं या तो आपस में पैटर्न बन रहा होता है या एक के बाद एक का पैटर्न बन रहा होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं एक के बाद एक के पैटर्न से आते हैं, तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे क्या है डी, फिर एफ, फिर एच, यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्न बन रहा है, ये क्या होता है 2 4 6 8, मतलब हमें पैटर्न दिख गया 2 4 6 8। अगला क्या होगा 10, और 10 पे क्या आता है J, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए J आना चाहिए, क्या आना चाहिए J आना चाहिए बेटा, ठीक है 10 पे। अगला देखो K मतलब 11, J मतलब 10, I मतलब 9, इसका मतलब 8। अब यहाँ पे देखो 11 10 9 8 एक एक कम होते जा रहा है, आप आराम से पैटर्न आइडेंटिफाई करते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक कम होते जा रहा है 11 10 9 8। अगला क्या आएगा 7, और 7 कौन होता है बेटा G, 7 कौन होता है जी, आप सबको पता है। नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं, लेके है एस 19, टी 20, यू जो है 21, वी जो है 22, अगला क्या आएगा 23, और 23 पे कौन होता है डब्ल्यू, मैंने अभी आपको बताया था डब्ल्यू को टेढ़ा करो क्या बन जाता है 3, और 3 फॉर 23, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए जे जी डब्ल्यू, जे जी डब्ल्यू का मतलब ये, जे जी डब्ल्यू का मतलब ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्या है हमारा पैटर्न आइडेंटिफाई होना चाहिए। पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए हमें से वैल्यूज लिखनी है और उसको देखना है कि कैसे वो बढ़ रहा है, सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं, हमें वैल्यूज याद है, हम आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि और भी क्वेश्चन हमारा कैसे आ सकता है, किस तरह का आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को क्या कह रहा है देखो, बी डी एफ कॉमा सी एफ आई कॉमा डी एच एल, ठीक है क्वेश्चन मार्क, मेरे पास चार ऑप्शन है, क्या कह रहा है सी जे एम, बी है ई आई एम, ई आई एम सी ई जे ओ, और मेरे पास जो डी ऑप्शन है डी, मेरे पास जो डी ऑप्शन है डी ऑप्शन क्या कह रहा है ई एम आई। अब देखो यहाँ पे सेम वही पैटर्न फॉलो करना जो अभी हमने किया था, फर्स्ट का फर्स्ट से देखते जाओ, ये देखो 2, ये देखो 3, अगला 4, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए 5, 5 पे कौन आता है ई, मतलब हमारा ऑप्शन या तो बी सी डी में से कोई होगा, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। देखो आप आराम से कैसे कर सकते हो, मिनट में क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, देखो नेक्स्ट देखो 4 6, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, अब आपको वैल्यूज याद हो जानी चाहिए आराम से, 4 6 8, अगला क्या आएगा 10, 10 का मतलब जे, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन ये कैंसिल ये कैंसिल, यही पे सिर्फ जे है, आंसर यही होगा, ठीक है। अगर नहीं आप थर्ड वाला भी चेक कर सकते हो कैसे, ये देखो 6 9 12, अगला क्या आएगा तीन तीन का गैप है 6 9 12, अगला क्या आएगा 15, और 15 पे कौन होता है ओ, तो हमारा आंसर सीधा सीधा सी ऑप्शन ई जे ओ इज करेक्ट, आप आराम से ऐसे कर सकते हो। 7, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वाई ए बी कॉमा डब्ल्यू एफ डी कॉमा यू एच जी कॉमा एस के आई, ठीक है आपसे ये पूछा है, आपसे ये पूछा है, आपको चार ऑप्शन दिए ए बी सी और डी, आपको चार ऑप्शन दिए ए बी सी और डी, क्या क्या दिया आपके पास ऑप्शन क्यू ओ एल, नेक्स्ट है आपके पास क्यू जी एल, अगला है आपके पास टी ओ एल, और नेक्स्ट है आपके पास क्यू एन एल। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, अल्फाबेट सीरीज देखो कैसे करना, y y y की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है इजोटी, इजोटी मतलब 25, क्या होता है 25, w w की वैल्यू अभी आपको याद हो गई 23, उसके बाद u is 21, s is 19, मतलब देखो दो दो कम हो रहा है 25 23 21 19, अगला क्या आएगा 17 पे कौन आता है जल्दी राजा 18 रानी 17, मतलब q आपके पास ऑप्शन, ये तो कैंसिल हो गया, बचे कितने 3, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है अगला क्यू आएगा। अब अगला देखो नेक्स्ट e 5 f 6, ठीक है E5, F6, अगला 8 11, ठीक है कैसे इंक्रीज हुआ देखो 5 + 1 6 + 2 8 + 3, मतलब गैप कैसे गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो E था 5, F था 6, H था 8, उसके बाद आपका क्या आया था कितना 11, मतलब यहाँ पे गैप 1 का था, यहाँ पे गैप 2 का था, यहाँ पे गैप 3 का है, अगला गैप किसका आएगा 4 का, आप आराम से गेस कर सकते हो, नेक्स्ट गैप किसका आएगा 4 का, और 11 प्लस 4 क्या हो जाएगा 15, और 15 पे कौन आता है बेटा ओ, तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्यू, क्यू के बाद क्या आना चाहिए ओ, और ना तो यहाँ पे ओ है ना तो यहाँ पे ओ है, एक ही जगह ओ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारे पास मार्क हो गया,
कैसे हुआ, देखो दोबारा देखो, फर्स्ट वाला हमें दिख गया 25, 23, 21, 19, उसके बाद 17, 17 पे आता है क्यू, क्यू तो हमें पता है क्यू ऑप्शन तीन में, तीन ऑप्शन में हमारे पास क्यू है फर्स्ट पे, मतलब वही होगा, फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट की हम बात करें, आप देखो 5, 6, 8, 11 ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज का मतलब क्या है, 5 में 1 ऐड हुआ, 6 में 2 ऐड हुआ, 8 में 3 ऐड हुआ, 11 मतलब 1, 2, 3 अगला गैप किसका आएगा, 4 का, 4 का गैप मतलब 11 प्लस 4, 15, सिंपल सी बात है, 15 क्या होता है, ओ होता है, आप आराम से गेस कर सकते हो क्यों। नेक्स्ट अगर आपको पता भी करना है कि एल कैसे है तो आप आराम से पता कर सकते हो, देखो यहाँ पर 2, 4 ठीक है, 7, अब यहाँ पर देखो 2 प्लस 2, 4, 4 प्लस 3, 7 और 7 प्लस 2, 9 मतलब यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 2 अगला क्या आएगा, प्लस 3 यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 3 की मतलब B2, B4, G7 प्लस 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है ठीक है, उसके बाद I आया था, फिर यहाँ पे 9, 2 का गैप है, तो अगला गैप किसका होगा बेटा, 3 का, अगला 3 का 9 और 3, 12 और 12 पे कौन होता है, अभी मैंने आपको बताया था L12, तो मतलब लास्ट वाली सीरीज हमारी अल्टरनेट चल रही है, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 3 आपको लास्ट से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आपको 2 सॉल्व करके सीधा सीधा ऑप्शन दिख गया था, ये आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 इज ABD लिखते ही आपको कौन याद आया, हाँ सही गेस किया, ABD लिखते आपको कौन याद आया, AB डिविलियर्स ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे वो नहीं है ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन करते हैं, ABD DGK HMS ठीक है, नेक्स्ट है आपका MTB और अगला है आपका SBL, तो आपसे पूछा है कि इसके आगे क्या आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है आपके पास ZKW, बी ऑप्शन आपके पास क्या है ZKU, सी ऑप्शन जो है आपके पास है ZAB और आपके पास जो डी ऑप्शन है डी ऑप्शन क्या कह रहा है XKW, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं देखो कैसे सॉल्व करना है, पहला देखो A, उसके बाद क्या चल रहा है DHMS, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे लिख के सॉल्व नहीं करना है, आपको ऐसे माइंड में करना है कि पहले में क्या पैटर्न बन रहा है, दूसरे में क्या बनेगा, देखो 1, 4, 8, 13, 19 यहाँ पे देखो गैप कितने का है, 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का, तो अगला गैप किसका आएगा, 7 का और 19 और 7 कितना होता है, 19 और 7 कितना होता है, जल्दी बताओ 19 और 7 कितना होता है बेटा, 26 मतलब पहले क्या आएगा जेड अगर आएगा तो ABC 3 ऑप्शन है हमारे पास, चौथा ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट की बात करें BGMT उसके बाद क्या है B, तो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे देखो इट इज 2, 7, 13, 20 ठीक है, और इसके बाद फिर से वापस क्या आ गया 2, मतलब यहाँ से देखो क्या ऐड हो रहा है +5, यहाँ से +6, +5, +6, +7 तो ये क्या ऐड होगा +8, तो अगला क्या ऐड होगा प्लस, तो देखो 5, 6, 7, 8 अगला क्या ऐड होगा 9 और 9 का मतलब 2 प्लस 9, 11 पे कौन आता है K और K फॉर किंग्स 11 मतलब जेड के बाद K कितने में है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास कैंसिल, बचे कितने दो ऑप्शन ए और बी। तीसरा चेक करते हैं क्या आएगा, या तो डब्ल्यू या तो यू होगा, देखो चेक करो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे DKSBL नेक्स्ट गैप देखो यहाँ पे गैप देखो कितने का है 4, 11, 19, 2, 12 मतलब यहाँ पे 4 प्लस 7, 11, 11 प्लस 8, 19 ठीक है 19 देखो 7, 8 यहाँ पे 9 का गैप है 19 प्लस 9 का मतलब क्या होगा, देखो 19 प्लस 9 का मतलब 28 का मतलब देखो 26 तक तो जेड खत्म हो गया, 27 से ए स्टार्ट हुआ तो 28 पे बी आएगा, मतलब वो 2 वाला ऑप्शन आया ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे 7, 8, 9 इसका मतलब 10 का गैप है, देखो 12 और 2 अगला किसका गैप आएगा 7, 8, 9, 10, 11 का गैप आएगा और 12 प्लस 11 12 और 10, 22 और 21, 23 पे कौन आता है बेटा W, 23 पे कौन आता है W, तो आपका आंसर क्या होगा जेड के W, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो ये सिंपल सा था,
क्या करना था, हमें सिर्फ पैटर्न देखा था। पहले वाले पैटर्न क्या चल रहा था, प्लस थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अगला देखो सीधी सी बात है, प्लस थ्री फोर फाइव सिक्स चल रहा था, नेक्स्ट में फाइव सिक्स सेवन एट चल रहा था, अगले में सेवन एट नाइन टेन चल रहा था। सिंपल सा पैटर्न था, कुछ ज्यादा करने की हमें जरूरत नहीं थी। ऑप्शन हमारा सीधा सीधा आ गया, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन और भी अच्छा क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, तो मैंने आपको एक एक स्टेप लिख के दिखाया है। आपको यहाँ पे लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको क्या करना है, ये सारे स्टेप्स माइंड में सॉल्व करने हैं। आपको सीधा ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज आर यू ए यू बी जी, ठीक है, उसके बाद है एक्स आई एल, उसके बाद है ए डबल पी ए डबल पी डी डब्ल्यू एस। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा, हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, चार चार चार। क्या है ऑप्शन पी आई टी, पी आई टी के बाद क्या है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज जी बी एम सी, सी ऑप्शन इज जी डी यू और डी, डी ऑप्शन मेरे पास क्या है पी क्यू एल, डी ऑप्शन मेरे पास क्या पी क्यू एल। देखो सिंपल, क्या करना, कुछ नहीं करना, पहले देखो यहाँ पे आर U X A D, यहाँ पे R 18 21 X is, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, X 24 A 1 D 4। देखो क्या है, यहाँ पे हमारे को क्या ऐड हुआ, प्लस तीन प्लस तीन, और देखो 24 25 26 27, 26 पे तो जेड खत्म हो जाता है, 27 पे क्या आएगा वापस से A। देखो ए बी सी डी जब खत्म होगी तो वापस से ए, मतलब 24 में 3 ऐड करोगे 27, 27 का मतलब ए, मतलब यहाँ पे प्लस 3, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्लस 3, आगे भी क्या हुआ प्लस 3, और डी के मतलब 4 और 3 7, 7 का मतलब क्या आएगा यहाँ पे जी, 7 का मतलब क्या आएगा यहाँ पे जी। हमारे दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचे कौन से ऑप्शन दो, बचे कौन से ऑप्शन दो। दूसरा वाला चेक करते हैं क्या है, यू बी आई पी डब्ल्यू, आगे क्या आएगा, ये तो पूछा है, आगे क्या आएगा ये तो पूछा है, देखो कैसे करेंगे। U हमारा कितना होता है 21, B हमारा कितना होता है 2, I is 9, P is 16, P is 16, W is 23। अब यहाँ पे देखो क्या क्या, 21 से 2 पे पहुंचा, 21 से 2 पे पहुंचा, मतलब 21 से 26 तक जाने के लिए उसे प्लस 5 होना पड़ा, 21 से 26 तक जाने के लिए उसे प्लस 5 और 28, मतलब अगर हम आगे चले B किस पे आता है 28 पे, मतलब क्या ऐड किया, क्या ऐड किया, प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, मतलब तभी तो 28 हुआ होगा, 28 का मतलब 2, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 7 23, मतलब यहाँ पे क्या क्या गैप क्या चल रहा है, देखो सीधा सीधा गैप क्या चल रहा है 7 7 7 7, तो 23 प्लस 7, 23 प्लस 7 जब करोगे, देखो 23 प्लस 3 करोगे 26, जेड तक खत्म, बचा कितना 4, 4 ऐड करना, मतलब क्या आएगा डी 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 डी, प्लस 7 करोगे आप गाफ तो सीधा यहाँ पे आएगा 4, और 4 पे क्या आता है डी, तो हमारे आप यहाँ पे जी के बाद क्या आएगा डी, और जी के बाद डी एक ही ऑप्शन में, पहले दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे, हमारे पास ऑप्शन बचा क्या सी, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। देखो कैसे क्या, थर्ड वाला आप चेक कर सकते हो, यहीं से चेक कर लो, देखो 17 मतलब प्लस 6, ठीक है, यहाँ पे 12 प्लस 5, ठीक है 7 प्लस 5 12, यहाँ पे क्या आता है देखो P 16 मतलब 12 प्लस 4 16, और उसके बाद 19 प्लस 3 प्लस 3, तो आगे क्या आएगा प्लस 2, 19 प्लस 2 21, 21 इज U, आराम से सॉल्व हो गया, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, नेक्स्ट क्या आएगा प्लस 2। आप यहाँ से भी सॉल्व करके देख सकते हो, वरना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन आ चुका है। तो एग्जाम में आप ऐसे एक मिनट से भी कम टाइम में इतने आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, यही तो ट्रिक है, यही तो ट्रिक है कि आप एक मिनट से कम टाइम में कैसे सॉल्व करोगे। और सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी थी। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है हमारे पास, बी ई एच, बी ई एच, उसके बाद है के एन क्यू, के एन क्यू के बाद है आपके पास टी डब्ल्यू जेड, और आपसे पूछा आगे क्या आएगा, आपके पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी, चार ऑप्शन है ए बी सी डी, मतलब आई जे एल, उसके बाद क्या है सी एफ आई, सी एफ आई के बाद आपके पास क्या है बी डी एफ, बी डी एफ के बाद आपके पास क्या है ए डी जी। ये देखो चार चार ऑप्शन, चार ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन दिया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का, देखो कैसे करना है, बी इज 2 11 11 के बाद 20, मतलब 2 से 11 11 से क्या गया 20, मतलब क्या ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ यहाँ पे देखो 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 9 20, तो आगे क्या आएगा 20 प्लस 9 20 प्लस 9 29, 29 का मतलब क्या देखो 29 का मतलब 26 पे तो z खत्म हो गया, बचा 3, 3 का मतलब आगे 3, a b c c c, हमारे पास क्या आएगा आंसर c, 29 का मतलब c, c एक ही ऑप्शन में है,
आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सी ए की ऑप्शन में है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगर आपको आगे करना है आप देख सकते हैं, ई इज 5, ठीक है, आगे क्या है, एन 14, एन के बाद डब्ल्यू 23, क्या ऐड हुआ, देखो क्या ऐड हुआ, 5 में से क्या ऐड किया आपने, 9 ऐड किया, 9, ठीक है, 9 ऐड किया, 9, 14 में देखो 14 में क्या ऐड किया कि 23 है, 14 में क्या ऐड किया कि 23 है, 9, सीधी सी बात है 9, तो 23 में भी आगे क्या ऐड होगा बेटा, 9, 23 में भी आगे क्या ऐड होगा, 9, मतलब देखो 23 प्लस 3 6, मतलब 26, जेड तक खत्म हो गया, बच गया 6, 6 मतलब कौन आएगा, एफ, कौन आएगा, एफ, 6 मतलब एफ। अब लास्ट वाला आप आसानी से खुद से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए आपका अल्फाबेट सीरीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया, होप सो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी इसको बताइए कि अल्फाबेट सीरीज को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ट्रिक्स हैं याद करने की। हमारे पास और भी आप लोगों के वीडियोस लेके आएंगे, आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो अपकमिंग रीजनिंग की वीडियोस आ रही हैं और आपके लिए और टॉपिक्स जो आ रहे हैं आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको रीजनिंग के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो आप कहेंगे, जिसकी ह्यूज डिमांड होगी वो मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए। जीएम एजुकेशन की पूरी टीम किशन सिंह के साथ, आपके साथ मैं साथ में हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कुछ भी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।